गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर फोर, मेजर लैंड फॉर्म्स। फ्लाई, वेल, फ्लाइंग ओवर द अर्थ इज एन एरोप्लेन। वी सी दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जब हम एक एरोप्लेन से अर्थ के ऊपर से फ्लाई करते हुए जाते हैं, तब हम देखते हैं अर्थ की सरफेस को, जो सब जगह पे सेम नहीं होती। हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो हर जगह पे डिफरेंट है। देर आर एरिया विच आर फ्लैट वाइल द अदर राइज हायर। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो ज़्यादा ऊपर होते हैं, हाई होते हैं। दीज वेरिएशन इन द शेप ऑफ लैंड और अर्थ सरफेस आर कॉल्ड रिलीफ और फिजिकल फीचर्स। और हमारी अर्थ की शेप में यही वेरिएशन, यानी कि अर्थ का कहीं पे फ्लैट होना तो कहीं पे हायर होना, ये वेरिएशन ही हमारी अर्थ के रिलीफ फीचर्स या फिजिकल फीचर्स कहलाते हैं। लैंड फॉर्म आर नेचुरली मेड फॉर्मेशन और फिजिकली फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस दैट ऑफ्टन फॉर्म ब्रॉडन बिटवीन कंट्रीज स्टेट और प्रोविंस। ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये नेचुरली बने हुए होते हैं, यानी कि कोई ह्यूमन का इसमें इंटरफेयर नहीं होता, ये नेचुरली मेड होते हैं। और यही लैंडफॉर्म्स कई बार स्टेट और कंट्रीज के बॉर्डर का भी काम करते हैं। माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर द मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। माउंटेन, आपके हिल्स, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सभी आपके बहुत बड़े बड़े, या हम कह सकते हैं कि सब मेजर टाइप के लैंडफॉर्म हैं। दिस फॉर्मेशन क्रिएट द शेप ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। और यही सारी फॉर्मेशन जो है वो आज का ये जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसे बनाती हैं जिसमें हम रह रहे हैं। माउंटेन, अ माउंटेन इज हाई एरिया विद स्टेप स्लोप हैविंग अ एलिवेशन ऑफ मेजर देन 1000 फीट अबव द सी लेवल। माउंटेन हैव कॉनिकल एंड राउंड पीक्स। अब आपके जो माउंटेन्स होते हैं वो अर्थ का हाई एरिया होते हैं, यानी कि ज़मीन से वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, यानी कि जो आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं उसमें कैसा इस तरह की फॉर्मेशन है कि ये आपके जो फ्लैट लैंड है उससे काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये स्लोप होते हैं, यानी कि ढलान लिए हुए होते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जो माउंटेन है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा हाई में होते हैं, और इनकी जो पीक होती हैं वो कॉनिकल होती हैं, यानी कि जैसे आपने कभी आइसक्रीम ली होगी ना, सॉफ्टी जिसे हम कहते हैं, उसकी कोन देखी है, तो अगर आप उसे उल्टा कर दें तो उसकी शेप किस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल एक माउंटेन की तरह। तो आपके जो माउंटेन हैं वो कोन शेप में होते हैं। माउंटेन डिफर इन हाइट एंड शेप। यंगर माउंटेन लाइक हिमालय आर हाई, यानी कि जो माउंटेन होते हैं वो अपनी हाइट और शेप में अलग अलग होते हैं। और जो आपका हिमालय माउंटेन है ये एक यंगर माउंटेन है जो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। एंड हैव कॉनिकल पीक, और इसकी जो पीक है वो कैसी है, एक कोन शेप में है। ओल्डर माउंटेन लाइक अरावली आर लो एंड हैव राउंडेड पीक। और अरावली रेंज जैसा अगर आपका कोई माउंटेन है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इनकी हाइट तो कम होती है, साथ ही साथ जो इनकी पीक होती हैं वो राउंडेड होती हैं, यानी कि कोन शेप में नहीं होती हैं, थोड़ी राउंडेड शेप में होती हैं। व्हेन मैनी माउंटेन ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म अ चैन। और जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक चैन को क्रिएट करते हैं। दिस चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। और यही चेन क्या कहलाती है, आपकी माउंटेन रेंज कहलाती है। सम माउंटेन रेंज हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज स्ट्रेचिंग फ्रॉम हंड्रेड ऑफ किलोमीटर। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा एरिए में स्ट्रेच होती है, कई किलोमीटर्स तक। हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंज, और हिमालय भी आपका इसी तरह की माउंटेन रेंज का एक एग्जाम्पल है। माउंटेन रेंज आर जनरली लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर आपकी जो माउंटेन रेंज होती हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर देखने को मिलती हैं। माउंटेन आर मोस्ट नोटिसेबल लैंड फॉर्म, और माउंटेन जो है वो सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाने वाले लैंड फॉर्म हैं। दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट, और हमें सभी कॉन्टिनेंट में माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, 8848 मीटर अबव सी लेवल।
माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉल माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर है सी लेवल से, इतना ऊंचाई पर ये मौजूद है। माउंटेन्स आर ऑल्सो फाउंड बीनीथ द ओशन, माउंटेन हमें ओशन के नीचे भी देखने को मिलते हैं। मैनी आइसलैंड आर इनफैक्ट द पीक ऑफ माउंटेन, और बहुत सारे आइसलैंड ऐसे भी हैं जो इन माउंटेन्स की पीक ही हैं। इन हायर एटीट्यूड माउंटेन रिमेन कवर विद स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, अगर हम हायर एटीट्यूड की बात करें यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद जो माउंटेन होते हैं वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं, कहीं कहीं पूरे साल तक वो सिर्फ बर्फ से ही कवर्ड रहते हैं। हैव हेयर वेरी सैंटी वेजिटेशन, और यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेशन भी देखने को मिलते हैं। पीपल मोस्टली लिव ऑन द लोअर एटीट्यूड और द फुट हिल ऑफ द माउंटेन, ज़्यादातर जो पीपल हैं या तो वो लोअर एटीट्यूड पे रहते हैं यानी कम ऊंचाई वाली जगह पे रहते हैं, या फिर बिल्कुल माउंटेन के फुट हिल्स में यानी कि बिल्कुल तलहटी जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, जहाँ पे माउंटेन जो है वो ग्राउंड को टच कर रहे होते हैं, उस जगह पे ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन आर अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड, माउंटेन जो हैं वो गर्म और ठंडी हवाओं के लिए एक नेचुरली बैरियर यानी रुकावट का काम करते हैं। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो आपको वाटर प्रोवाइड कराती हैं इरीगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए। हमें पानी जो मिलता है वो हमें इन्हीं माउंटेन्स से आने वाली नदियों से मिलता है। माउंटेन आर अ होम ऑफ रिच फ्लोरा एंड फौना, माउंटेन जो हैं वो आपके बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवरों के लिए रहने की जगह है। क्यों? क्योंकि माउंटेन बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं और यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत सारे जो जानवर यहाँ रहते हैं वो सेफ होते हैं, उन्हें कोई हंट करने के लिए या फिर उन्हें पोचिंग के लिए वहाँ पर कोई नहीं जा पाता ईजीली से। माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं मिनरल रिसोर्सेज उनमें माउंटेन रिच होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिनरल रिसोर्स देखने को मिलते हैं माउंटेन्स पर। वैल्यूबल फॉरेस्ट इन माउंटेन प्रोवाइड टिम्बर, और माउंटेन के में जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वहाँ से हमें टिम्बर मिलता है। कूलर क्लाइमेट इन माउंटेन अट्रैक्ट टूरिस्ट, और आपके माउंटेन्स का जो ठंडा टेम्परेचर होता है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। हाउएवर लाइफ इज़ हार्ड ऑन माउंटेन, और माउंटेन में लाइफ जो है वो बहुत हार्ड होती है। दे आर लीस्ट हैबिटेट, दे आर अ लेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फार्मिंग इज मेड पॉसिबल बाय बिल्डिंग प्रायरिस फॉर स्टेप फार्मिंग, यहाँ पर आपके किसी भी जीव का रहना यानी कि ह्यूमन बींग का रहना हम कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। फार्मिंग भी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे स्टेप फार्मिंग के लिए टेरेस क्रिएट करने पड़ते हैं, तो लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हिल्स, हिल्स आर एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस विच हैव अ डिस्टिंक्ट समिट अ पीक बट अ लोअर इन एलिवेशन देन माउंटेन, अब वो माउंटेन पीक्स जो लगता है तो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन तो माउंटेन की तरह होती है, लेकिन उनकी हाइट जो होती है वो माउंटेन की तरह बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है यानी कि जो उनका एलिवेशन पॉइंट होता है वो कम होता है, तो वो आपका क्या कहलाती है, वो आपकी हिल्स कहलाती है। ठीक है, दे आर नॉट अ हाई और एज स्टीप एज माउंटेन, वो माउंटेन की तरह बहुत ऊँची नहीं होती और माउंटेन की तरह स्टीप भी नहीं होती। इन अदर वर्ड हिल्स आर स्मॉलर माउंटेन, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम हिल्स को छोटे माउंटेन कह सकते हैं। दे आर ओवर 500 feet इन हाइट, इनकी हाइट हमें 500 feet से लेकर बट लेस देन 200 feet, लेकिन इनकी हाइट जो होती है वो 200 feet से नीचे होती है और 500 feet से ज़्यादा होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिल, अब हिल्स की आपकी इम्पॉर्टेंट क्या है, हिल्स हैव कूलर क्लाइमेट फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेन सो हिल स्टेशन आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली ड्यूरिंग समर, जो हिल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है जिस वजह से वो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस होते हैं। हिल्स हैव ग्रेटर हैबिटेशन दैन माउंटेन द हैबिटेशन इज लेस दैन प्लेन, जो हिल्स होती हैं क्योंकि इनकी हाइट कम है तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है माउंटेन के मुकाबले, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, लेकिन ये पॉपुलेशन प्लेन के मुकाबले कम होती है।
दे आर अ होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर भी आपको पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलेगी, ये उनके लिए घर की तरह है। हिल्स आर रिच इन मिनरल, स्पेशली कोल। जो हिल्स होती हैं वो आपकी मिनरल में रिच होती हैं, खासकर कोल में।